हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी को आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी क्लासे रेगुलर टेक्निकल की रहती है, वैसे आज से मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस शुरू करा रहा हूँ। टेक्निकल क्लासे तो हमारी चलती रहेगी, साथ में इंग्लिश की भी क्लासे हम स्टार्ट करें आज से। इंग्लिश की पता ही आपको हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काम में आती है, जैसे हम बात करें आईटी के एग्ज़ाम में, आईटी के एग्ज़ाम में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश से रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शन है वो काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा जो अदर जो टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे कि मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो या DRDO, तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके अलावा SSC वगैरह एग्ज़ाम है तो उससे भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक आप ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाए और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? समय की अवधारणा को बताने का काम करता है। टेंस का मतलब ही फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, टेंस का मीन्स क्या होता है? काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। यानी टेंस खुद ही अपने आप में समय की अवधारणा को बताने का काम करता है। तो टेंस क्या करता है? समय की अवधारणा को क्या करता है? बताने का काम करता है। ठीक है, तो टेंस समय की अवधारणा को बताता है। अब टेंस का हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टेंस तीन भाग में डिवाइड होता है, प्रजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस का हम तीन भाग में डिवाइडेशन करते हैं, प्रजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। प्रजेंट टेंस को हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रजेंट टेंस भी चार भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, टेंस को हम कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं, प्रजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बांटते हैं। अब प्रजेंट टेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें चलता है। ठीक है, तो प्रजेंट टेंस में हम जैसे देखते हैं कि प्रजेंट में प्रजेंट सिंपल होता है, प्रजेंट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये प्रजेंट टेंस का ही डिवाइडेशन है, प्रजेंट सिंपल है। ठीक है, उसके बाद प्रजेंट कंटिन्यूस, प्रजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में देखेंगे हम पास्ट के बारे में। पास्ट में भी सेम है, इसमें पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचर है, जो फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इन सब का हम डिटेल से आगे की क्लासों में देखेंगे। आज की क्लास में हम सिंपल जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? इस टेंस का प्रयोग इसके लिए करते हैं, वर्तमान में चल रही जो गतिविधियाँ होती है, वर्तमान टाइम में जो चल रही जो भी कार्य है या फिर जो भी गतिविधियाँ जो चल रही है, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का हमारे को पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज वर्तमान में जो चल रही चीज़ें होती है उसको बताने के लिए भी करते हैं। वैसे हमने छोटी क्लासों में जब हम थे 10th वगैरह में, तो हमने भी देखा था कि प्रेजेंट टेंस का यूज किस में करते हैं, जैसे कोई वर्तमान चीज़ चल रही है उसके लिए किया जाता था। ठीक है, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का यूज किस लिए करता था? कोई काम है तो रहा है, रही है, तो उस टाइप से पूछा जाता था। ठीक है, तो टेक्निकल एग्ज़ाम में तो आप देखते ही कि रहा है, रही है, तो ये तो सारा सिस्टम है ही नहीं एकदम ही। ठीक है, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ किसके लिए करते हैं? वर्तमान में चल रही जो गतिविधियाँ है उसके लिए करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का चार भाग डिवाइड होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल शुरू करने से पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे को सेंटेंस बनाने में मदद करता है। ठीक है, वैसे सेंटेंस एग्जाम आता है हमारे को, उसमें करेक्ट जो फॉर्म होती है वर्ब की वो फिल करनी होती है, तो एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाता है। टेंस से सीधा हमारे को पूरा सेंटेंस नहीं बनाना होता कि पूरा सेंटेंस बनाओ, जैसे हम छोटी क्लास में बनाते थे, जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ता है, तो उसको हम लिखते थे ही प्लेज, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको भी पता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसके लिए हमारे को फॉर्मूला एक बार पता होना चाहिए कि सेंटेंस का फॉर्मूला किस टाइप से बनता है, हमारे को फॉर्म किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं कि हमारे को अच्छे से समझ में आए। तो फॉर्मूला इसका सबसे पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? हमारा कोई सब्जेक्ट, जैसे कि ही सी है, कोई नाम हो गया, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जो हमारी क्रिया होती है वो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस आई एस लगता है, ठीक है। तो एस आई एस क्यों लगता है उसके बारे में आगे हम डिटेल से बताएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो भी सकता है या नहीं भी हो, तो दोनों कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होता भी हो किसी में नहीं होता। ऑब्जेक्ट वैसे वस्तु को डिनोट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु होती है, कोई निर्जीव चीज़ होती है, तो ऑब्जेक्ट वस्तु को डिनोट करने के लिए होता है। कई बार हमारे को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ठीक है, तो हमारे को बस इसका एक बार सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना ताकि हमारे सेंटेंस बन पाए, ठीक है। इसके रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो रूल्स है उसके बारे में देख रहे ताकि हमसे सेंटेंस अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो रूल्स इससे क्या है, तो सबसे पहले रूल हम देख लेते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन हो, यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रनाउन हो तो वर्ब के साथ में एस या ई एस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन प्रनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन में कौन कौन से आएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रनाउन अगर हमारा है तो उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ होगा। वर्ब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक है। कोई भी चीज़ सब्जेक्ट हमेशा किससे जुड़ा होता है, क्रिया से जुड़ा होता है, ठीक है। खाली सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करता, सब्जेक्ट के साथ जब क्रिया होती है बाकी ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तभी एक सेंटेंस का पूरा निर्माण होता है, ठीक है। तो वर्ब जो होती है क्रिया को बताती है, ठीक है। तो वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज कब करेंगे, जब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन हमारे को दे रखा होगा। यदि हमारे को सब्जेक्ट सेकंड पर्सन दे रखा हो तो हम वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्ब के साथ में एस या ई एस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमारे को सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रनाउन दिया हो तो हमारे को एस या ई एस का यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रनाउन और सेकंड पर्सन प्रनाउन के बारे में बताया, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन प्रनाउन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन प्रनाउन कौन सा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब को यूज कर पाए, ठीक है। और एस या ई एस का भी यूज हम साथ में इसी में ही देख लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रनाउन कौन सी होती है, तो फर्स्ट पर्सन प्रनाउन, प्रनाउन का मतलब क्या होता है, प्रनाउन का मतलब फ्रेंड्स होता है सर्वनाम, ठीक है। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं नाउन, इंग्लिश में बोलते हैं ना नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है संज्ञा, प्रनाउन का मतलब क्या होता है सर्वनाम, ठीक है। तो प्रनाउन का मतलब क्या होता है सर्वनाम। तो फर्स्ट पर्सन प्रनाउन में कौन कौन सा आता है, तो ही सी इट, ही सी इट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन होता है। इसके अलावा इसमें नाम वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। नाम है जैसे राम है, सीता है, कुछ भी नाम है, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रनाउन में आते हैं। तो इसके साथ हमारे को किसका यूज करना है, एस या ई एस का यूज जरूर करना है। एस या ई एस का यूज किसके साथ में करना है, वर्ब के साथ में, ठीक है। कोई भी वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, प्रनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है, तो हमारे को एस या ई एस का यूज करना है। अगर हमारे को सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रनाउन दे रखा है, सेकंड पर्सन प्रनाउन में कौन कौन सा आता है, आई वी और यू। अगर हमारे को सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रनाउन दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई से शुरू होता है या वी से शुरू होता है या यू से शुरू होता है, तो हमारे को एस या एस का यूज नहीं करना वर्ब के साथ में, ठीक है। तो वर्ब के साथ में ऐसे एस का कैसे यूज करना है, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी, आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके हर चीज़ अच्छे से क्लियर होते हैं। आप वीडियो को समाप्त होने कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो सेकंड पर्सन प्रनाउन में हमारे क्या क्या आते हैं, आई वी और यू। तो सब्जेक्ट हमारा अगर आई वी यू से शुरू होता है तो हमारे को वर्ब के साथ में एस या एस का यूज नहीं करना। अगर हमारे को फर्स्ट पर्सन प्रनाउन दे रखा है, जैसे कि ही सी इट दे रखा है, तो उसके साथ हमारे को एस या एस का यूज करना है, ठीक है। किसके साथ में करना है, मेन वर्ब के साथ में, ठीक है। तो ही सी इट ये सारे किस एस या एस किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एस या एस लगेगा किसके साथ में, मेन वर्ब के साथ में। हमारे को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे करेंगे, तो उसके बारे में अब हम देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस किसी हमारे को सेंटेंस दे रखा है तो हमारे को कैसे पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट कि वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। एग्जाम में हमारे को सीधा सा सेंटेंस दे रखा होता है, हमारे को उसमें ये नहीं बता रखा होता कि ये प्रेजेंट टेंस है या ये पास्ट टेंस है। हमारे को उसमें जो सेंटेंस में दे रखी चीज़ें होती है उसी से हमारे को पहचानना होता है, ठीक है। तो उसी से हम देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे को कुछ स्पेशल वर्ड दिए रखे होते हैं जिससे हम पहचान करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज़ देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे किया जाएगा।
तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में ये सारे ये ऐसे पूछ जाता है कि आपको ये वर्ड सेंटेंस में दिए रखे होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको आगे सेंटेंस भी बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी हर चीज़, ठीक है। तो यूजेज इसका किस किस में करेंगे, ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी वीक भी हो सकता है, ट्विस ए डे हो सकता है, ट्विस ए वीक हो सकता है, ट्विस ए मंथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हैबिचुअल जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसके अलावा जो हैबिचुअल जो चीज़ें होती है उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आए तो हमारे को पहचान लेना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो उसी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये हमारे को वर्ड दे रखा होता है, जैसे ऑलवेज है, ऑफ्टन है, जनरली है, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ट्विस ए डे, ट्विस ए वीक, ट्विस ए मंथ और हैबिचुअल। तो ये सारे हमारे को वर्ड्स दे रखे होते हैं तो उसी को अकॉर्डिंग हमारे को पता चलता है कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल कैसे दे रखा होता है और हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही ऑलवेज स्पेस हेयर एट नाइट। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप से मिलता है, ठीक है। टेंस हमारे को एग्ज़ाम में इसी टाइप से पूछते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनको पता है कि किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है, कि ही ऑलवेज स्पेस हेयर एट नाइट। तो आपको ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी होती है तो वर्ब को यूज करके आपको क्या करना होता है, सेंटेंस पूरा करना होता है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस देखने से पता लगाना है कि ये टेंस कौन सा है। तो हमारे को सबसे पहले इसमें सेंटेंस देखना है, ही ऑलवेज हेयर एट नाइट, ठीक है। तो ये हमारे को एक वर्ड दे रखा है ऑलवेज। तो हमने देखा है कि ऑलवेज जो वर्ड है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हमारे को पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो इन्हीं वर्डों से हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस का पता ऐसे ही लगता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस उसमें टेंस का पता वर्ड से ही पता लगता है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स वगैरह नहीं दे रहे हो तो हमारे को पता नहीं लगता, ठीक है। उसके अलावा कुछ विशेष स्थिति भी दे रखी हो तो उसी से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लिया होगा आपने, ही ऑलवेज हेयर एट नाइट। तो यहाँ पर हमारे को वर्ब दे रखी है कम, तो कम जो मेन वर्ब है, ठीक है, कम क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है। तो इसके साथ में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पर, कम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ही ऑलवेज स्पेस की जगह यहाँ पर क्या आएगा, कम्स। यहाँ पर ई के बाद में क्या लगाना है, एस, तो कम्स, ठीक है। कम्स क्या होगा, एक तरह से प्लूरल बन गया, ठीक है। तो ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा ये, ठीक है। आपको बस एग्ज़ाम में क्या पूछी जाएगी, मेन वर्ब भी पूछी जाएगी कि मेन वर्ब किस तरीके से फील करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। अगर यहाँ पर पास्ट का सेंस होता है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो प्रेजेंट टेंस हमारे को ऑलवेज वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आई एस दे रखा है, एस आई एस आएगा। तो एस आई एस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है। अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रनाउन होता तो यह खाली क्या आता है, कम होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। तो उम्मीद है आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम फ्रेंड्स देख लेते हैं, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड। ऑलवेज ये भी क्या है, प्रेजेंट का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर स्पेस हमारे को मेन वर्ब क्या दे रखी है, ब्रैकेट में वर्क, ठीक है। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, वर्क का, ठीक है, वर्क का करेंगे। कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ई एस या एस ई एस वगैरह का यूज क्यों नहीं हुआ। एस ई एस का यूज यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, गुड स्टूडेंट्स। इस तरह के सेंटेंस एग्जामिनर
आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आता है एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वर्ब का कैसे यूज़ करें, वर्ब के साथ में एस या एस का यूज करें या नहीं करें। तो हमारे को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गुड स्टूडेंट्स, अच्छे क्या है दोस्त, स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप ही क्या हो गया, प्लूरल का सेंस आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अपने आप में क्या हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बन गई है। तो यहाँ पर हमारे को एस सी एस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, खाली वर्क का यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके साथ में एस ए एस का यूज नहीं होगा। एस ए एस का यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को सब्जेक्ट क्या देखा, गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या अपने आप में खुद क्या एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारे को क्या दे रखी थी, वर्क। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे को दे रखा है, अदिति प्रिया हर टीथ एवरी मंथ। अदिति प्रिया हर, अदिति प्रिया के बाद क्या स्पेस है, अदिति प्रिया स्पेस हर टीथ एवरी मंथ। एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के क्या होते हैं, सेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे को, ब्रूस, ठीक है। ब्रूस क्या एक तरह की क्या क्रिया है यानी कि वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रूस दे रखा है। तो अदिति प्रिया क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। अदिति प्रिया क्या है, कोई एक लड़की है जो हमारे को एक सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो अदिति प्रिया सब्जेक्ट दे रखा है हमारे को। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है, अदिति प्रिया फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज़ करेंगे, एस सी एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रूसेज, ठीक है, क्या आएगा, ब्रूसेज। तो यहाँ पर एच के बाद क्या लगाना, ई एस लगाना, ठीक है। क्यों लगाना, क्योंकि हमारे को सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है यानी कि मेन वर्ब, यानी कि हमारे को क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रूसेज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्रूसेज ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। तो ब्रूस तो मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म दे ही रखिए, उसके पीछे हमारे क्या लगाना है, ई एस लगाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, योर एल्डर ब्रदर नेवर कॉफी। नेवर आ रखा है यानी कि ये भी क्या है, प्रेजेंट का सेंस है, ठीक है। योर एल्डर ब्रदर नेवर कॉफी, उसके बाद स्पेस में आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये थोड़ा आया नहीं, इसको मैं बताता हूँ। इस यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या है, ड्रिंक है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब क्या दे रखी है, ड्रिंक दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रिंक, ठीक है। तो योर एल्डर ब्रदर यानी कि आपका बड़ा भाई, नेवर स्पेस कॉफी, ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपको, वर्ब कौन दे रखी है, ड्रिंक। तो ड्रिंक यहाँ पर दे रखा है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर नेवर कॉफी। तो इस टाइप का सेंटेंस भी कन्फ्यूज करता है काफ़ी, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सेंटेंस दिए हैं, ये सारे सेंटेंस जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो सेंटेंस अच्छे लेवल के, आप ज़रूर इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो योर एल्डर ब्रदर नेवर स्पेस कॉफ़ी, तो ये हमारे पास में हमारे को सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर ब्रदर क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो योर एल्डर ब्रदर जो है वो क्या है, एक तरह का क्या है, एक तरीका क्या है, ये हमारे पास में सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अब इसमें हमारे को ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है या सेकंड पर्सन प्रनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ, ये एक तरह की पजेशन प्रनाउन है, ठीक है। पजेशन प्रनाउन का मतलब क्या होता है, अधिकार संबंधी बताने के लिए, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं पजेशन प्रनाउन। प्रनाउन का एक पूरा टॉपिक है खुद का ही एक इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रनाउन का हम नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे टॉपिक पूरा, ठीक है। तो प्रनाउन योर एल्डर, योर क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, एक पजेशन प्रनाउन होती है, ठीक है। तो योर जो होती है उसका यूज हम किसके लिए करें, यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि योर क्या है, एक फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है, ठीक है। हम योर क्या समझ सकते हैं, योर क्या एक तरह की फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रिंक्स का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, ड्रिंक्स, के पीछे क्या लगाना है, एस, तो ड्रिंक्स, ठीक है। तो योर एल्डर, योर क्या एक तरह की पजेशन प्रनाउन है, ठीक है। तो ड्रिंक, ड्रिंक के पीछे क्या लगेगा, एस, तो ड्रिंक्स। योर एल्डर ब्रदर नेवर ड्रिंक्स कॉफी,
ठीक है। तो उम्मीद है सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो योर के हमारे पास ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या है, ये एक तरह की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऐसे ही इसका यूज़ करते ही है, ठीक है। वैसे ये एक्चुअल में पजेशन प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो पजेशन प्रोनाउन तो एक अलग टॉपिक में आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ये क्या एक तरह की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। तो सेंटेंस हमने इतने की अभी, ठीक है। आगे की क्लास में मैं आपको जब टेंस पूरा हो जाएगा तो इससे रिलेटेड पूरे मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा, ठीक है। पूरे पूरे टेंस का मैं आपको एक टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो टेंस का हम पूरा एक टेस्ट लेंगे, इसमें पूरा टेस्ट का एक पूरा टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको PDF वगैरह सारी अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। तो पूरा टेस्ट हम लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका रूल। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ वो हमने पीछे देख लेते हैं, वो हमने कुछ क्या देखे थे भाई, प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए कुछ हमने वर्ड देखे थे। अब इसके रिलेटेड कुछ रूल्स भी है, तो हमारे को वो भी रूल्स भी ध्यान रखना है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। तो इस टेंस का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल कोई भी चीज़ का प्रिंसिपल होता है ना, सिद्धांत होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मशीन वगैरह हम देख लेते हैं कि मशीन का प्रिंसिपल होता है, DC मशीन का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, टीचर के जो स्कूल के जो हेडमास्टर जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, ये सिद्धांत है। तो इस टेंस का यूज हम किसके लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि व्यक्त करने के लिए करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इस टाइप से दे सकते हैं, हमारे एग्जाम में द सन स्पेस इन द ईस्ट, द सन स्पेस इन द ईस्ट, तो हमारे को मेन वर्ब कौन से दे रखी है, राइज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइजेज, ठीक है। राइजेज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हमारे को सिंगुलर वर्ब दे रखी है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब दे रखी है यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है हमारे को, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर हमारे को क्या दे रखी है, मेन वर्ब क्या दे रखी है, राइज दे रखी है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू एंड टू स्पेस फोर, टू एंड टू स्पेस फोर, तो टू एंड टू क्या बनते हैं, चार बनते हैं, यानी दो और दो क्या होते हैं, चार बनते हैं। तो टू एंड टू मैक्स फोर, टू और टू मैक्स फोर, तो हम यही पढ़ते हैं, टू एंड टू मैक्स फोर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, मैक्स आएगा, ठीक है, MAKES, टू एंड टू मैक्स फोर, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन, तो यहाँ पर हमारे एक वर्ब दे रखी है मूव, तो यहाँ पर मूव की जगह क्या आएगा, मूव्स, ठीक है। तो मूव्स, MOVES, ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा सेंटेंस। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं, इस टेंस का उपयोग पजेशन अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इस टेंस का जो हम किसके लिए भी करते हैं, पजेशन अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। पजेशन यानी कि अधिकार होते हैं, कोई चीज़ पर हमारे अधिकार होते हैं, तो उसको एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं आपको एग्जाम में, दिस पेन स्पेस टू मी, तो हमारे को वर्ब दे रखी है बिलोंग, दिस पेन डैश टू मी, ब्रैकेट में हमारे को वर्ब कौन से दे रखे है, बिलोंग, ठीक है। तो बिलोंग, दिस पेन क्या आएगा, बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। यहाँ पर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारे को हमारे पर क्या दे रखा है, इसमें सेंटेंस में पजेशन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ है, ठीक है। हमारे को इसमें एक बार एडजस्ट करके ही देखनी पड़ेगी। कई बार हमारे को एग्जाम में समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हम टेंस किसका यूज करें, किस टाइप के टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो हमारे को वहाँ पर एक बार वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिट करके एक बार देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को मीन देखना है, ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो एक बार हमारे को मेन वर्ब फिट करके उसके बाद में मीन्स देखना है, तभी हमारा अच्छे से सेंटेंस क्लियर हो पाएगा।
तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो हमारे को एक बार वर्ब फिट करके ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर पजेशन अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे रखा है ही डैश ए बिग बिल्डिंग, ही डैश ए बिग बिल्डिंग। अगर यहाँ पर हम क्या रखें, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें, तो हमारे को इस तरीके सेंटेंस बन रहा है कि यह जो बड़ी बिल्डिंग है ये मेरे को, मेरा इस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है, ठीक है। ही ओवन ए बिग बिल्डिंग, यानी उसके पास एक क्या है, बड़ा जो मकान है वो है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, अधिकार है, पजेशन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ओवन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि यहाँ पर ओवन, हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि ओवन्स, ही ओवन्स ए बिग बिल्डिंग, यानी उसके पास क्या, एक स्वयं की बड़ी बिल्डिंग है, तो ये इसका पजेशन है। तो पजेशन को व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स हम देख लेते हैं। इस टेंस का यूज़ हम इमोशंस, यानी कि जो हमारे, जो हम देखते हैं कि इमोशन यानी कि भावनाएं, मेंटल एक्टिविटी यानी कि जो मानसिक जो क्या होती है, गतिविधियाँ होती है, उसके अलावा जो फीलिंग्स होती है, उसके अलावा जो किसी मैच हो रहा है, कोई मैच का हो रहा है, या उसके अलावा कोई लाइव प्रोग्राम होते हैं तो उसके लिए भी करते हैं। उसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, जैसे कि सी हा हेयर से शुरू होते हैं, देयर से शुरू होते हैं, तो उसमें भी यूज करते हैं। उसके अलावा जो प्रेजेंट में जो फिक्स्ड प्रोग्राम है, प्रेजेंट में जो फिक्स्ड प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट में जो कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है उसके लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं, अब सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। ही डैश इन गॉड, ही डैश इन गॉड। तो हमारे को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ही डैश इन गॉड। तो हमारे को इसमें क्या दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे को, तो बिलीव इसमें जो है वी स्पेस इन गॉड, यानी कि अगर इसमें मैं आपको मेन वर्ब फिट करके दिखाऊं, ठीक है, हमारे को वर्ब वहाँ पर एग्जाम में फिट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस उसी टाइप के ही है कि हमारे इसमें समझ में, अगर हमने रूल नहीं पढ़ रखे होते ढंग से, अगर हम भूल जाते एग्जाम में, तो हमारे को समझ नहीं आता कि ये टेंस कौन सा है। अभी तो हमारे पता है कि टेंस प्रेजेंट है, ये है, लेकिन एग्जाम में हमारे को पता नहीं लगता कि ये टेंस कौन सा है। तो हमारे को एक बार वर्ब फिट करके उसके बाद उसका मीन देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वी इस डैश इन गॉड, अगर मैं यहाँ पर मेन वर्ब फिट करके देखो, वी बिलीव इन गॉड, यानी कि वह क्या रखता है, भगवान विश्वास करता है, यानी कि वो उसके क्या इमोशन है, ठीक है, वो उसके क्या इमोशन है, कि वो क्या रखता है, भगवान में क्या रखता है, विश्वास है, तो वो उसके इमोशन है। यानी कि इमोशन को व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमारे को पता लग गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब हम यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बिलीव, वी बिलीव इन गॉड, यानी कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है, वी बिलीव इन गॉड। बिलीव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिलीव क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए कभी भी एस टी एस का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वी बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, सी डैश इन हिम, सी डैश इन हिम। स्पेस हमारे, सॉरी, हमारे को ब्रैकेट में क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, वी डैश सी डैश इन हिम। तो हमारे ब्रैकेट में दे रखा है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट हमारे को याद दे रखी है, वर्ब दे रखी है। अगर हम यहाँ पर ट्रस्ट अगर वर्ब रखें, तो सी इन हिम, यानी उसका उसमें विश्वास है, यानी कि जो वह जो लड़की है उसका उसमें विश्वास है, यानी कि ये उसकी क्या बता रही है, फीलिंग को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सी ट्रस्ट, ट्रस्ट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो ट्रस्ट, सी ट्रस्ट इन हिम, यानी उसका जो वह है उसका उसमें विश्वास है, यानी कोई बंदा होगा उसमें उसका विश्वास है, तो सी ट्रस्ट इन हिम। तो हमारे को यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, तो सी डैश ट्रस्ट, ट्रस्ट इन हिम, ठीक है। तो सी हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। तो आपको एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, तो सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब कौन सी लगती है, हमेशा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक माफ़ी चाहूँगा आपसे, जो हमारे सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास में, ठीक है, सी क्या है हमारे पास में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर्ब कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट की आएगी, ठीक है, मेन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। एक्चुअल में होता यूँ है, एक्चुअल में फ्रेंड्स होता है इसमें यूँ है कि जो ट्रस्ट्स है, ठीक है, ट्रस्ट क्या है हमारा, सिंगुलर ही मेन वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर ही होती है, ठीक है। ट्रस्ट एस ए एस, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारी जो
सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा कौन सा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंगुलर हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, वर्ब भी क्या करते हैं, सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब एक्शन होता ही है कि नाउन जो होती है, नाउन हमेशा क्या बनती है, प्लूरल बनती है, ठीक है। नाउन जो होती है, जैसे मैं बात करूँ, नाउन जो होती है, जैसे मान लो पेन है, ठीक है, पेन क्या एक तरह की नाउन है, ठीक है, पेन है, पेन है, कैट है, ठीक है। तो ये सारे ये क्या नाउन है, तो नाउन के पीछे जब हम ऐसे ये जोड़ते हैं, तो हमेशा नाउन के पीछे एस ई एस जोड़े तब वो प्लूरल बनते हैं, ठीक है। मेन वर्ब में एस ई एस जोड़ने से कभी वो प्लूरल नहीं बनती, ठीक है। तो ये एस ई एस का अलग रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका एस ई एस ही लगेगा, ठीक है। तो सी ट्रस्ट इन हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, सरला डैश इन नाइन्थ क्लास, सरला हमारे ब्रेक में दे रखा है रीड, सरला हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे इसमें क्या आएगा, रीड्स आएगा, ठीक है। तो सरला रीड्स इन नाइन्थ क्लास, यानी सरला क्या, यानी कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में कोई चीज़ चल रही तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सरला रीड्स इन नाइन्थ क्लास, ठीक है। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है, एस का, एस एस सी एस का यूज क्यों, एस का यूज, एस सी एस का यूज इसमें क्यों किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसलिए हमने एस का यूज किया, रीड्स, सरला रीड्स इन नाइन्थ क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, हेयर, हेयर डैश द बस, हेयर द बस, ये हमारे पास में क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपोस्ट्रोफी चिन्ह, या फिर एक्सट्रामेटली साइन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हेयर डैश दी बस, तो हमारे को वर्ब दे रखी है कम, तो हेयर डैश दी बस यानी कि कम, तो कम हमारे पास में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेयर दी बस, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेयर कम्स दी बस, हेयर कम्स दी बस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देर का, सी नाउ इट, वर्ब क्या दे रखी है, रेन, तो सी नाउ इट, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेटरी चिन्ह दे रखा है, तो क्या आएगा, रेंस, क्या आएगा, रेंस आएगा, यानी कि एन के पीछे क्या लगाना, एस लगाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर डैश द रोल ऑफ राम, तो ब्रैकेट में दे रखा है प्ले, यानी कि इस फिल्म में क्या, मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, राम का जो है रोल वो अदा कर रहा है, यानी कि प्ले, तो यहाँ पर वर्ब दे रखी प्ले। अगर इसमें मैं फर्स्ट फॉर्म अगर यूज करूँ तो ये काम क्या हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई एल्डर ब्रदर तो एल्डर ब्रदर जो है सिंगल सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या लगेगा, प्लेज, ठीक है। तो माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ राम, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि माई एल्डर ब्रदर प्लेज रोल ऑफ राम। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, द कॉलेज डैश इन अक्टूबर, ब्रैकेट में दे रखा है रीओपन, तो यहाँ पर क्या आएगा, रीओपन्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रीओपन्स, रीओपन्स क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है, या फिर फर्स्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि आप कि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई ब्रदर, माई ब्रदर के ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिटर्न टुमारो। ये फ्रेंड्स, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस फ्यूचर का भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस फ्यूचर का भी बनता है और प्रेजेंट का भी बनता है, तो आपको इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको दिए हुए, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको रिटर्न दिया होता है, ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं मिलता, ठीक है, दोनों साथ में देना होने से कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि टुमारो अपने आप में क्या, फ्यूचर का संबोधन लिए हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, रिटर्न्स। यहाँ पर हमने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का फ्रेंड्स यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ वर्तमान में क्या है, जैसे मैं बात करूँ, ये कोई फ्यूचर की चीज़ है मान लो, ठीक है, तो ये कोई चीज़ फिक्स है कि उसका जो भाई है वो कल आएगा, ये कोई चीज़ फिक्स बता रहा है। मैंने आपको बताया था रूल आपको कि कोई चीज़ फिक्स होती है, फिक्स्ड कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कोई चीज़ जो फिक्स होगी, कोई आने वाली कोई चीज़ कोई फिक्स है, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, इस टेंस का।
ठीक है। उसके अलावा जो टुमारो अपने आप में फ्यूचर का बोध लिए हुए है, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।